एल्बम क्या थॉट है इसका? सबसे पहले सभी को सत श्रीकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मीका सिंह और आज हम दरगाह पे आए हैं निज़ामुद्दीन बाबा के, और बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान का महीना है। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं सभी को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम शूट करने जा रहे हैं दमादम मस्त कलंदर, जिसको मैंने गाया है और इसका म्यूज़िक वन एंड ओनली यो हनी सिंह ने किया है। एंड इसका पहली बार हनी सिंह का सूफी रैप आ रहा है। एक दूसरे को हम काफ़ी सालों से जानते हैं और बहुत सालों से हनी बोलते आए हैं कि अमीका भाई गाना गाते हैं, तो हमेशा हम फिल्म में काफ़ी हमने गाने गाए हैं, जैसे रानी तो मैं राजा, या हमको कहती है सुपर मैं, सुबह होने ना दे, या पंजाबियाँ दी बैटरी, जो हमने बॉलीवुड में सॉन्ग्स गाए। तो फर्स्ट टाइम हम एक एल्बम कर रहे हैं, वो भी सूफी एल्बम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी लोगों ने गाना सुना हुआ है, दमादम मस्त कलंदर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, काफ़ी सिंगर्स ने गाया है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बना रहे गाने को, ताकि जो आजकल के यंगस्टर हैं वो गाने को एंजॉय करें और भगवान का नाम भी लें और झूमें। तो और किस टाइप के सारे सूफी गाने होंगे? फर्स्ट टाइम मेरा सूफी है एंड हनी सिंह का सूफी रैप है। आई होप के जितने भी हमारे फैंस हैं उनको ये गाना चाहिए। एक इस एल्बम का जो गाना है उसको गा के सुना। हो लाल मेरी बत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दास की शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हनी सिंह जी, आपने भी जो सूफी को जो रैप में गाया है वो किस तरह से गाया, थोड़ा गाना? फर्स्ट टाइम मीका भाई ने बोला कि गाना करना है और सूफी गाना करना है, और फाइनली आई जस्ट रोट सम लाइंस इन 5 मिनट्स। अभी इतना मेरे को याद नहीं है। इट्स लाइक मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरे दिल दाएँ दिलदार भी तू, मेरा ज़िंदगी ते एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा आप भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू। It's just like that. और अभी आई थिंक आप सबको पसंद आएगा, फर्स्ट टाइम किया है मैंने एंड रमज़ान के इस मुबारक महीने में ये रिलीज़ हो रहा है, और सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें, और ईद आ रही है जल्दी से, तो इंशाल्लाह ईद पर इसको रिलीज़ करेंगे। एंड जस्ट कीप ब्लेसिंग योर हनी सिंह एंड मीका भाई। अच्छा, इसमें मीका जी के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं तो तकरीबन 15 सालों से पाजी को कहता आ रहा हूँ, पाजी कुछ गाना गाओ मेरे को करने के लिए, तो पाजी ने फर्स्ट टाइम, वो तो नहीं, जो घर के बड़े होते हैं वही बच्चों को दीन के रस्ते पे और धर्म के रस्ते पे लेके जाते हैं, तो फाइनली पाजी ने ड्यूटी लगाई है कि सूफी गाना करना, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अमेरिका में था तब पाजी ने वोकल्स भेजे थे मुझे, और होटल के रूम में मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे में बनाया था म्यूज़िक, और फाइनली यहाँ पर आके दिल्ली में रैप लिखा फटाफट से, और बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत अर्बन फील है। दमादम मस्त कलंदर काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दिस इज समथिंग न्यू। कीप ब्लेसिंग। अच्छा, यहाँ दरगाह पे क्या मांगा आपने? दरगाह पे सबके लिए दुआएं मांगी हैं, सबके लिए खुशियाँ मांगी हैं, और मांगता हूँ कुछ के मैं शुक्राना देने आता हूँ। अच्छा, रमज़ान और ईद की मुबारकबाद दे दीजिए हमारे पास। रमज़ान और ईद की बहुत बहुत मुबारक यो हनी सिंह की तरफ से सबको, और खुदा और अल्लाह सबको खुश रहे। हेलो, मैं हूँ मीका सिंह, और मेरी तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईद। गॉड ब्लेस। तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी, लगभग उसी समय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर और दिल्ली से होते हुए अजमेर पहुंचे। अजमेर के इन महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की चिश्तिया परंपरा में एक से बढ़कर एक महान संत हुए, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
और शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। शेख फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। मैंने फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने फिर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने फिर पायो निजामुद्दीन औलिया। उनके दरवाजे पर अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, दरबारी, किसान, हर किसी को आसरा मिलता था। उनके शिष्यों और मुरीदों यानी भक्तों में अपने वक्त के मशहूर शायर, इतिहासकार और दरबारी अमीर खुसरो और अमीर हसन भी शामिल थे, जो उन जैसा गुरु, उन जैसा पीर पाकर अपने आप को खुशनसीब समझते थे। और मुसीबत के मारे लोगों के दुख कम करने के लिए निजामुद्दीन औलिया जो कुछ भी कर सकते थे करते थे। उनके यहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई फर्क न था। हर तरह के सूफी संत वहां आते, कुछ दिन रहते और चले जाते। किसी भी जाति, धर्म व वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था। अरे भाई, अमीर खुसरो कहाँ है? उन्हें देखा कहीं? क्या बात है रशीद, मैं यहाँ हूँ। अमीर साहब, खाने का वक्त हो रहा है। हजरत ने राजपूताने के कुंवर साहब से खाने को कह दिया है। बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। इसमें मुश्किल कैसी रशीद भाई, खाना परोस दो। यही तो मुश्किल है, कैसे परोसूं? यहाँ तो सब लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन हिंदू तो इसे झूठा मानते हैं। उनके यहाँ एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है ना? हाँ, ये तो वाकई परेशानी की बात है। अच्छा, ऐसा करते हैं, आओ हजरत से पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हजरत। क्या बात है खुसरो, क्या पूछना है हमसे? हजरत, ये रशीद कुछ परेशान है। हिंदुओं में एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है, ये लोग उसे झूठा मानते हैं, और आपने कुंवर साहब को यही खाने को कह दिया, अब क्या किया जाए? ऐसा करो रशीद, कि आज सभी लोगों को अलग अलग थालियों में खाना परोस दो। अगर उनके यहां एक साथ एक थाली में खाना जायज नहीं है, तो हमें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा हुजूर, तो मैं खाना लगवाता हूँ। हाँ जाओ। क्या बात है खुसरो, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ हजरत, आप कितने बड़े हैं, आपका दिल कितना बड़ा है। ये ख्याल इस वक्त कैसे आया? आपको याद नहीं हजरत, उस दिन कुछ हिंदुओं को पूजा पाठ करते देखकर भी आपने कुछ ऐसी ही बात की थी। आपने कहा था, हर मजहब के अपने तौर तरीके, अपने रस्म व रिवाज होते हैं। सच्चा इंसान वही है जो किसी भी तरीके से रहे पर हमेशा खुदा पर ईमान रखे। सभी ये खुदा के बंदे हैं। निजामुद्दीन औलिया इंसान की खिदमत को, मनुष्य की सेवा को नमाज और रोजे से भी बड़ा धर्म समझते थे। वो अक्सर एक कहानी सुनाते। एक बड़े पहुंचे हुए दरवेश थे। वो घूमते घामते गुजरात पहुंचे। वहां उन्हें एक मौलाना मिल गए। दोनों साथ साथ चलने लगे, बातचीत होने लगी, सफर कटने लगा। तभी हो गया नमाज का वक्त। मौलाना कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया है, कहीं हाथ मुंह धोने के लिए पानी मिल जाए तो वुजू करके नमाज पढ़ लें। मौलाना साहब, वो देखिए, कुछ दूर एक बावड़ी नजर आ रही है। हाँ, ये औरतें भी घड़े लेकर उसी तरफ जा रही हैं। वहां हाथ मुंह धोने के लिए पानी जरूर मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलिए वहीं चलते हैं। अरे बेटा,
पानी ले लेने देना। अरे 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 दूर हो जा बढ़िया, सर पर ही चली चली जा रही है। अरे। कह दिया ना इस बावड़ी से पानी लेने का हुक्म नहीं है, जा जा कोई और कुआं देख। अरे भैया दरोगा जी देखो तो सही, मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है, जरा एक घड़ा पानी ले लेने दो ना। अरे एक घड़े पानी से राजा जी की बावड़ी खाली थोड़ी हो जाएगी। हाँ ठीक है, एक बार में सुनती नहीं। अरे कह जो दिया कि यहाँ से पानी नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा, चल जाए यहाँ से। या खुदा, पानी पर भी पाबंदी। हाँ हाँ ऐसा ही लगता है, चलिए आगे चलते हैं। ठहरिए जरा बात करके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दरोगा साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। दरोगा साहब जरा पानी मिलेगा, नमाज का वक्त है, वुजू करना है। लो ये और आ गए पानी लेने वाले, जाओ जाओ बाबा कोई और जगह देखो, यहाँ से पानी लेने का हुक्म नहीं है। मगर आपके राजा साहब ने तो हमसे कहा था कि हमें उनके राज में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अगर हम उनसे ये कहेंगे कि आपने हमें वुजू के लिए पानी नहीं लेने दिया तो इसे क्या। अरे 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 तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप राजा साहब का हुक्म लेके आए हैं। लीजिए लीजिए, ले लीजिए पानी। अच्छा ठीक है, हम ये लोटा भर लेते हैं। बेटा मुझे भी थोड़ा सा पानी ला देते तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ अपना घड़ा मुझे दे। जीते रहो बेटा, पानी से भर देता हूँ। जीते रहो। तो इस तरह दरवेश उन प्यासी औरतों बच्चों को पानी लाला कर देते रहे और नमाज का वक्त बीत गया। मौलाना ने जब उन्हें टोका तो बोले, आज मेरे खुदा को भी यही सजदा कबूल था इसलिए मैंने यही किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी यही मानना था कि इंसान के आंसू पोंछना रोजे और नमाज से ज्यादा पुण्य का काम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया इसी तरह किस्से कहानियों के माध्यम से जीवन के सही तौर तरीके सिखाते थे। वैसे तो उनके यहाँ गंभीर दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा होती थी, लेकिन आम आदमी को ऐसी कहानियों के जरिए सीख देना ज्यादा आसान था, ये वो बखूबी जानते थे। हर साल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उनका उर्स मनाया जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त आते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं।